तो हाय फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सफ़र करने वाले हैं आनंद विहार से भागलपुर 12368 आनंद विहार एक्सप्रेस से, विक्रम शिला एक्सप्रेस से। और अभी हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, अब एंट्री करेंगे और फिर दिखाते हैं हमारी सीट कहाँ है, कौन से कोच से हम सफ़र करेंगे। चलिए एंट्री करते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे का सफ़र स्टार्ट होगा, देखते रहिए। तो ये आज रश बहुत है, देखते हैं क्या होता है। चलिए लेट्स सी। तो एंट्री कर चुके हैं हम, प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग को ये बता दूं, जब भी आप आनंद विहार आएँ तो आनंद विहार में एक बात याद रखें कि एक नंबर प्लेटफॉर्म जो है वो सामने की ओर है। उसके अलावा आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको अंडरग्राउंड होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ओवर ब्रिज बिल्कुल नहीं बनाया गया है। तो आप एकदम ध्यान रखें, जब भी यहाँ आए तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन में एक नंबर प्लेटफॉर्म छोड़कर जितनी भी प्लेटफॉर्म है उनके लिए आपको अंडरग्राउंड होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ओवर ब्रिज की सुविधा नहीं है। तो जो भी आए यहाँ पर वो इस बात का ख्याल रखें। यही रास्ता है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, एक नंबर सिर्फ सामने की ओर है। उसके अलावा जितनी भी प्लेटफॉर्म हैं उनका रास्ता अंडरग्राउंड से ही है, और एक नंबर का भी, एक नंबर का भी रास्ता अंडरग्राउंड से है। और आनंद विहार एक्सप्रेस भागलपुर 12368 विक्रम शिला एक्सप्रेस, वो जो है तीन नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है, ये याद रखिए हम लोग। तो तीन नंबर पहुंचने के बाद हमारी ट्रेन 12368 आनंद विहार भागलपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगी हुई थी पहले से। चलिए चलते हैं अपने कोच में। और ठीक हमारे सामने लगी हुई है 22460 आनंद विहार मधुपुर एक्सप्रेस। ये भी शायद इनका भी खुलने का टाइम मेरे को पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताएं। ये भी खुलने वाली है। तो 12:20 पे हम पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और मेरा कोच जो है ये है B5। तो B5 है हमारा कोच, चलते हैं अंदर। और 22 नंबर हमारा बर्थ नंबर है। तो फ्रेंड ये है हमारा कोच, ऊपर वाला कोच है 22 नंबर, और ये अभी खाली है। ट्रेन हमारी आनंद विहार में लगी हुई है। कोच का कंडीशन साफ सुथरा है बिल्कुल, कहीं पर कोई गंदगी नहीं है। तो अब मिलते हैं, जब ट्रेन यहाँ से डिपार्ट होगी तब आपसे मिलते हैं। आज जो हमें इंजन लीड करने वाली है WAP WAP 7, और इसी से हम लोग आज आनंद विहार से भागलपुर की तरफ बढ़ेंगे। इंडियन रेलवे का समस्तीपुर का ये लोकोमोटिव है WAP 7 का, तो यही हमें लीड करेगी। सामने हम सफ़र लगी हुई है मधुपुर, उसे WAP 7, इसे भी गाज़ियाबाद का लोकोमोटिव लीड कर रही है। तो दोनों का लोकोमोटिव मैंने आपको दिखा दिया, एक तरफ विक्रमशिला लगी हुई है और एक तरफ मधुपुर हम सफ़र लगी हुई है। तो आनंद विहार से हम लोग निकल चुके हैं अपने टाइम से, ठीक 1:15 पे हमारी ट्रेन 12368 आनंद विहार भागलपुर एक्सप्रेस। दिल्ली में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और आनंद विहार से हम लोग अभी जस्ट निकले हैं। यहाँ से निकलने के बाद हमारी ट्रेन का पहला स्टॉपेज कानपुर सेंट्रल है, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो हमारी ट्रेन आनंद विहार से निकल चुकी है। वन थर्टी के स्पीड से हमारी ट्रेन धीरे धीरे कानपुर की तरफ बढ़ रही है।
विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने टाइम से चलते हुए धीरे धीरे अलीगढ़ की तरफ बढ़ रही है। और आज का वेदर बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ दिल्ली से ही वेदर अच्छा है, बारिश वाला मौसम, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ट्रेन धीरे धीरे अपने टाइम से मिलते हुए अलीगढ़ की तरफ बढ़ रही है। तो चलिए फ्रेंड, वॉशरूम का कंडीशन देख लेते हैं कैसा है। सामने मिरर आपको मिल जाएगा देखने को, और ये बेसिन जो उतना क्लीन नहीं है, हैंड वॉश के लिए हैंड वॉश है, इसमें लिक्विड भी है। और ये टैप दिया हुआ है, और ये क्लीनर है। सामने विंडो है, ठीक ठाक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो वॉशरूम की कंडीशन ठीक है। तो हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने टाइम से चलते हुए धीरे धीरे अलीगढ़ की तरफ बढ़ रही है। अब कुछ ही देर में हम लोग अलीगढ़ स्किप करने वाले हैं। विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने टाइम से चलते हुए अलीगढ़ जंक्शन को क्रॉस कर रही है अपनी 110 किलोमीटर की रफ्तार से। खराब हो गया तो पहले का नहीं ट्रेन टुंडला जंक्शन क्रॉस कर रही है। क्रॉसिंग टुंडला जंक्शन ट्रेन 1 2 3 6 8 अपने टाइम से चलते हुए टुंडला जंक्शन क्रॉस कर चुकी है।
12368 आनंद विहार भागलपुर एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार के साथ चलते हुए 130 के, और हम लोग 130 की स्पीड से इटावा क्रॉस कर रहे हैं। और सामने ट्रेन लगी हुई है कोटा एक्सप्रेस, धीरे धीरे अपने रफ्तार के साथ कानपुर की तरफ बढ़ रही है। वन टू थ्री सिक्स एट विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने टाइम से 10 मिनट लेट कानपुर सेंट्रल बस पहुंचने ही वाली है। हमारी ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने टाइम से 10 मिनट लेट चलते हुए कानपुर सेंट्रल 6:40 पर पहुंचेगी। वन टू थ्री सिक्स एट हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने टाइम से 20 मिनट लेट कानपुर सेंट्रल पहुंच चुकी है और सामने लगी हुई है वंदे भारत एक्सप्रेस। कानपुर सेंट्रल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कानपुर से घूमने के बाद सीधा मगर्स गांव से घूमने के बाद हमारे बक्सर आरा पटना, उसके बाद वहाँ से भागलपुर तक हर बड़े स्टेशन छोटे स्टेशन से हमारी ट्रेन लगते हुए भागलपुर तक जाएगी। और सामने आप देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस लगा हुआ है। तो हम अब कानपुर सेंट्रल पहुंच चुके हैं और हमारा कोच आगे होने की वजह से हम बहुत आगे आ चुके हैं, क्योंकि हमारा कोच V5 है जो इंजन से सिर्फ 3 कोच के बाद 4th पोजीशन पे है। और हम अपने टाइम से आधे घंटे लेट हमारी भागवत आनंद विहार भागवत एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल पर पहुँच चुकी है। हमारा कोड है CND और बहुत ज़्यादा भीड़ और रश वाला स्टेशन यहाँ है हमेशा से कानपुर सेंट्रल। अब यहाँ से निकलने के बाद हमारी ट्रेन मगसराय लगेगी, मगसराय से बक्सर आरा और फिर पटना। तो मिलते हैं आपसे डिपार्चर में। और हम कानपुर सेंट्रल से निकल चुके हैं कि टाइम से आधे घंटे लेट 7:00। यहाँ से हमारी ट्रेन बनाने में आपका छीन लेगा। हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस आनंद विहार से चलने के बाद कानपुर से चलने के बाद प्रयागराज स्किप कर रही है और हमारे सामने लगी हुई है आनंद विहार मधुपुर एक्सप्रेस हमसफर एक्सप्रेस, जो आनंद विहार से 12:45 पर चली थी ठीक हमसे आधे घंटे पहले।
उसको हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। और हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस प्रयागराज को स्किप करके निकल रही है, और साथ ही साथ हम सफ़र मधुपुर को भी स्किप कर रहे हैं। तो हमारी आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस प्रयागराज को स्किप करके निकलती हुई, और हमारे साथ साथ उसके साथ साथ हमसफ़र मधुपुर हमसफ़र भी हम स्किप कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखने में बहुत अच्छा लगा, और ये प्रयागराज जंक्शन। तो सुबह को लग चुके थे 15 मिनट, और हम अपने टाइम से 4.5 घंटे लेट पटना पहुँचे। अपने अपने टाइम से 4:45 लेट, और देख सकते हैं आप स्टेशन पर कितनी भीड़ है। यहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं, चलेंगे। अभी हमने कॉफ़ी लिया है 10 मिनट में, 7:19 हो रहा है। अब हम अभी भी हमारी ट्रेन नहीं बन रही है, देखते हैं यहाँ से खुलती है। और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे गुवाहाटी एक्सप्रेस आ गई है। हमारी ट्रेन पटना जंक्शन पर 2 नंबर पर लगी हुई है। गुवाहाटी बारमेर एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लग रही है पटना से, और 2 नंबर से हमारी ट्रेन खुल चुकी है फिलहाल। तो पटना से चलने के बाद अब हमारी ट्रेन यहाँ से हर स्टेशन पर रुकते हुए भागलपुर चल जाएगी। पटना सिटी, फतुहा, फतूरपुर, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, और पटना से निकल चुके हैं। डेस्टिनेशन जमालपुर, या उससे पहले अगर कहीं कवर कर पाए तो। जंक्शन पहुँच चुके हैं 1, 2, 3, 6, 8 हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस हाथ जंक्शन पहुँच
कट रही है और यहाँ पर ऊपर से जो लाइन जा रही है वो बरौनी जा रही है और हमारी ट्रेन नीचे से हावड़ा और दिल्ली वाले मेन रूट पर चल रही है। हमारी ट्रेन इस वक्त ऊपर से जा रही है राजेंद्र नगर सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये बहुत ही ज़्यादा हमारी ट्रेन 1236 है। पंचशिला एक्सप्रेस आगरा जंक्शन पहुंच चुकी है अपने टाइम से 5 घंटे लेट। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं क्यूल। विक्रमशिला एक्सप्रेस 12368 अपने टाइम से 5 घंटे लेट चल रही है और क्यूल अभी 9:59 पे क्यूल पहुंची है जो कि इसका टाइम यहाँ सुबह 5 बजे था, अभी 10 बजे पहुंच रही है, अपने टाइम से 5 घंटे लेट चल रही है। और क्यूल पहुंचते ही सामने से क्यूल जमालपुर पैसेंजर खुल चुकी है और हमारी ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस क्यूल में आकर अभी अभी लगी है। अभी देख सकते हैं कितना ये है क्यूल जंक्शन। हमारी ट्रेन 12368 से खुल चुकी है और अपने टाइम से 5:10 क्यूल से जो है दो लाइन यहाँ से चलती है, एक लाइन मेन लाइन जो है दिल्ली हावड़ा मेन लाइन जो झाझा जैसे आसन से होकर निकल जाती है और दूसरी लाइन जो है भागलपुर जमालपुर साहिबगंज और रामपुर हाल से होती है हावड़ा को जाती है। क्यूल जंक्शन ये लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ से अलग हो जा रही है, यही लाइन हावड़ा के लिए जाती है यहाँ से डायरेक्ट और आपको झाझा जैसे डी हो गए मधुपुर हो गए और इसी लाइन से आपको पूर्वा जनशताब्दी पटना जनशताब्दी उसके अलावा टाटा दानापुर और भी जो ट्रेनें हैं वो इसी रूट से हावड़ा तक जाती है। और हम जिस रूट पे जा रहे हैं ये रूट जमालपुर भागलपुर वाली रूट है जो जमालपुर भागलपुर हावड़ा तक जाती है और सामने जो रूट आपको दिख रहा है ये रूट हावड़ा ये भी हावड़ा को जाता है जिसे मेन लाइन पर। ठीक है तो मिलते हैं आपसे अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन जमालपुर तक के लिए बने रहिए। 12368 हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने टाइम से 6 घंटे लेट जमालपुर पहुंचने वाली है। यहां पहुंचने का टाइम सुबह में 6 बजे था और अभी 11:40 हो रहा है और अभी तक हम जमालपुर नहीं पहुंचे हैं, कुछ ही मिनटों में हम जमालपुर अराइव करने वाले हैं। जमालपुर वर्कशॉप, जमालपुर रेलवे का वर्कशॉप है।
हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने टाइम से 6 घंटे लेट जमालपुर अराइव हो गई है। पारे लगना चाहिए, आगे चलते हैं। हमारे विक्रमशिला एक्सप्रेस जमालपुर पहुंच चुकी है जहां बहुत भीड़ है। तो पहुंच चुके हैं हम जमालपुर अपने टाइम से 6 घंटे लेट, 12 बजे पहुंची है विक्रमशिला जमालपुर में, और यहीं पे हमारा ब्लॉग होता है ख़त्म। और कैसा आपको लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।